सरेआम लखीमपुर में महिला का चीरहरण हुआ, सरेआम हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, रात के अंधेरे में आपने पेट्रोल डालकर अंतिम संस्कार किया, आपने यहाँ पे लाल कर दिया उत्तर प्रदेश को। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिबेट पर आइए, डिबेट पर आ जाइए सर। बीजेपी डूबने लगती है तो सर मुझे सुनिए, मैं सवाल अपने, मुझे लगता है पार्लियामेंट भी 2014 के बाद ही बनी है, पहले पार्लियामेंट भी नहीं था, एनएक्सी भी नहीं थी 2014 के पहले, सब अभी बना है, एम्स भी 2014 के बाद ही बने। आज की वीडियो में बात समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया की करते हैं, जो अक्सर डिबेट में बीजेपी नेता या गोदी मीडिया के एंकर को फटकार लगाते नजर आते हैं। न्यूज 18 की एक डिबेट में एंकर के सवालों के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्षी पार्टियों की आलोचना की, तो अनुराग भदौरिया ने भी संबित के अपने जवाब में क्लास लगा दी। मैं आपसे बोलता हूं, क्या मुख्यमंत्री यहां लखीमपुर में जहां किसानों को रौंदा गया उनके घर गए? नहीं गए, क्योंकि आपने यहां गुंडागर्दी फैलाई, महिलाओं पे चीरहरण सरेआम किया आपने, सरेआम लखीमपुर में महिला का चीरहरण हुआ, सरेआम हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, रात के अंधेरे में आपने पेट्रोल डालकर अंतिम संस्कार किया, आपने यहां पे लाल कर दिया उत्तर प्रदेश को, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेरोजगार हो, सबने रेड अलर्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं आने देना है। और अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि वोट किसी को दो, मतलब आप मान चुके हो कि आपकी सरकार नहीं आ रही है, आपकी सरकार नहीं आ रही है, आपको बहुत बहुत बधाई। और आप रटी रटाई बातें जो बोलते रहते हो, आज जो डिबेट में बोल रहे हो कल भी वही बोला था, पांच साल से एक ही बात रट रहे हो, इसका चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से जी न्यूज की डिबेट में एंकर ने अनुराग भदौरिया को जिन्ना के मुद्दे पर बार बार सवाल करती रही और घेरती रही, जिस पर अनुराग भदौरिया ने अपने जवाब से एंकर को चुप करवा दिया। प्यासी महंगाई से बेरोजगारी से कमर टूट गई है, जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनके प्रवक्ता से हमने सिर्फ इतना पूछ लिया था कि ये बता दीजिए गन्ना खरीफ की फसल है रबी की फसल है, नहीं बता पाए थे, आपको याद होगा शायद, आपकी डिबेट की बात है, आईएमआई साहब बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो ये वो लोग हैं जो गन्ना के बारे में नहीं पता, ये लोग बोला अभी पूछ लेंगे खरीफ की फसल बता दो, पांच फसल का नाम बता दो, तो ये परेशान हो जाते हैं, इनसे पूछ दो कि खरीफ की फसल कब बुआई होती है, कब कटाई होती है, नहीं बता पाएंगे, रबी की फसल कब बुआई होती है, सोयाबीन कौन सी फसल है, पूछे सोयाबीन कौन सी फसल है, रबी की खरीफ की, नहीं नहीं मुझे जवाब दिलवा दीजिए, सोयाबीन आपके पार्टी के नेता नहीं बता पाते आपके किसान संगठन के नेता का नाम क्या है, डिबेट पर आइए, डिबेट पर आ जाइए सर, डूबने लगती है तो मुझे सुनिए, मैं सवाल अपने जानती हूँ, आपका काम है, आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते तो आप शोर मचाने लगते हैं। आज तक के डिबेट में एंकर ने एक सवाल किया जिस पर अनुराग भदौरिया ने बीजेपी की आलोचना करनी शुरू की, तो एंकर ने उन्हें टोकना शुरू किया जिस पर दोनों के बीच बहस हो गई। पर जो राजनीति होगी, जो वोट पड़ेगा वो विकास के नाम पे पड़ेगा, यहाँ पे महंगाई के नाम पे पड़ेगा, तो फिर जिन्ना का जिक्र के नाम पे जिन्ना का जिक्र क्यों कर रहे थे, जिन्ना का जिक्र क्यों कर रहे थे अखिलेश यादव या ओपी राजभर या फिर शफीकुर रहमान पर? मेरी बात सुन लीजिए, मैं बात सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है सुबह से लेकर शाम तक जाति धर्म की राजनीति करना, जिन्ना भी इतिहास है हमारे लिए और नाथूराम गौडसे भी इतिहास है, इन्होंने ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में एक ने बंटवारे के लिए काम किया, दूसरे पृष्ठभूमि तैयार की, ये वो लोग हैं, ये हमारे एक आदर्श नहीं हो सकते, भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों आदर्श है, दोनों आदर्श। तो फिर आपके नेता इनका नाम क्यों ले रहे थे, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के आदर्श है तो आपके नेता इनका महिमा मंडन क्यों कर रहे थे, तो आपके नेता इनका महिमा मंडन क्यों कर रहे थे, आप AIMIN के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप AIMIN का जवाब के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप उसका उत्तर नहीं देना चाहते, मैं संजीव सिंह को भी क्यों करें भाई, मैं संजीव सिंह को भी लाता लेकिन गौरव भाटिया नहीं, गौरव जी गलत बात है, गौरव भाटिया उत्तर देना चाहते हैं। न्यूज 18 के डिबेट में अनुराग भदौरिया ने अपने जवाब में बीजेपी को घेरना शुरू किया जिस पर बीजेपी नेता ने उन्हें टोका, जिसके बाद उन्होंने अलग ढंग से बीजेपी पर तंज कसा। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है देश के अंदर में किसान का सम्मान, ये किसान वो है जिसने आजादी के आंदोलन में कुर्बानी दी, हमारा सिर्फ हमारा पेट नहीं भरता है, अन्नदाता तो है ही, लेकिन आजादी दिलाने में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये शहीद हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, शहीदों को तो बोल दिया जाता है ये तो भीख में मिल गई, 2014 के बाद तो शायद प्रतीक जी आपका भी जन्म हुआ, हमारा भी जन्म हुआ, आजादी 2014 के बाद ही मिली है, उसके पहले तो कोई था ही नहीं यहाँ पे, मुझे लगता है पार्लियामेंट भी 2014 के बाद ही बनी है, पहले पार्लियामेंट भी नहीं था, एनएक्सी भी नहीं थी 2014 के पहले, सब अभी बना है, एम्स भी 2014 के बाद ही बने, और शायद ये जितना भी आप देखते हो रोड वोड जो नई दिल्ली बसी है जहां पे मंत्री लोग कैबिनेट मंत्री रहते हैं आज, ये सब 2014 के बाद बना, था ही नहीं 2014 के पहले कुछ, 2014 के बाद ही हुआ है, क्योंकि उस समय तो सब कुछ शहीद जो हुए शहीद थोड़े हुए, महात्मा गांधी भिखारी थे, सरदार पटेल जी महाभिखारी थे, उसके बाद अगर शहीद भगत सिंह भिखारी थे, राजगुरु सुखदेव सब भिखारी थे,
ये सब थे ही नहीं। आपको अनुराग भदौरिया की ये डिबेट्स कैसी लगी, आप कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।